आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो टेक्निक है भी और नहीं भी। इसका नाम है डिवोशन फ्रीज। सिर्फ दो शब्द भक्ति मुक्त कर देती है। विज्ञान भैरव तंत्र में दो प्रकार की तकनीकें हैं, एक उनके लिए है जो बुद्धिजीवी होते हैं, वैज्ञानिक मन से सोचते हैं, और दूसरी उनके लिए जो हृदय से संबंधित, भावनाओं से संबंधित होते हैं। सोचना और महसूस करना, ये दो मूल प्रकार है। ये तकनीक भक्ति मुक्ति देती है भावना प्रकार के लिए। भक्ति का मतलब होता है कि आपका परमेश्वर, किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति संपूर्ण समर्पण। और जब आप संपूर्ण समर्पण में होते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। भक्ति सीढ़ी है प्यार की। जो प्यार को जी लेगा वो एक दिन भक्ति को जी पाएगा। क्यों हम फॉलिंग इन लव, प्यार में गिरना कहते हैं? कुछ भी नहीं गिरता, सिर्फ आपके सर ही गिरता है। जैसे आपका प्रेम गहरा होता है तो आप मौन हो जाएंगे। फिर आप अपने प्रेमी के साथ बात के बजाय मौन रहना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि कुछ बोलते ही बीच में मन आ गया, और मन की अनुपस्थिति ही प्रेम का होना है। इसलिए भक्ति मुक्ति देती है। ये सिर्फ दो शब्द हैं, लेकिन उनमें एक गहरा सत्य छुपा है। जब हम किसी के प्रति अपनी भक्ति, अपने प्रेम, अपने समर्पण को संपूर्णता से व्यक्त करते हैं तो हम स्वयं को मुक्त करते हैं। यदि आपका प्रियतम कारागृह में आ जाए तो कारागृह उसी क्षण गायब हो जाता है। दीवारें अब भी हैं, लेकिन वे अब कैद नहीं करती। अब आप उन्हें पूरी तरह से भूल सकते हैं। आप एक दूसरे में घुल मिल सकते हैं और आप एक दूसरे के लिए उड़ने लायक आकाश बन सकते हैं। प्रेम स्वतंत्रता है। तो जो लोग भावना प्रकार के हैं उनके लिए ये सूत्र है, भक्ति मुक्त कर दिए। प्रणाम।